अब चलते हैं कोल्हापुर म्यूजियम, जिसको बावड़ा म्यूजियम भी कहते हैं, न्यू पैलेस भी कहते हैं, तो वहाँ पे चलते हैं। वो एक बहुत बड़ा परिसर है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। मेन छाऊ पैलेस भी बोलते हैं। तो मेन कोल्हापुर सिटी से लगभग 5-6 किलोमीटर के अंतर पर है, बस 10 मिनट के अंतर। देखो ये है गाइस, यहाँ पे छत्रपति शाहू विद्यालय। देखो स्कूल बसेस वगैरह लगी है वहाँ पे, ऐसे पत्थर की इमारतें अट्रैक्टिव लगती है विद्यालय में, है ना। हाँ, पुरातन लगता है, पुरातन है ऐसा। लेकिन देखो ना कितना अच्छा मेंटेन भी किया, इतना कितना अच्छा लगता है। सब बिल्डिंग एक दूसरे लगती है। पीसफुल है। इसके गेट ही कितने बड़े हैं देखो ना। तो ये इसकी ऐसी दो कॉपीज मिलती है हमें, 40 रुपीज़ पर हेड चार्ज है, और एक विजिटर्स कॉपी मिलती है और एक गेट कॉपी मिलती है। मेरे ख्याल से एक सबमिट करनी होगी ना इसकी। हाँ। और एक हमारे पास ऐसे एडल्ट्स को 40 रुपीज़ पर हेड है और बच्चों को 20 रुपीज़ पर हेड। कार से हम पूरा अंदर तक ले जा सकते हैं, तो अभी हम कार लेके ही चलते हैं अंदर। फुल पार्किंग है ऐसा, यहाँ के लोग अंदर के कह रहे हैं कि उधर पूरा एक डेडिकेटेड पार्किंग है। बैठो अंदर, कुछ इस टाइप का सीन है, बहुत ब्यूटीफुल है। टूरिस्ट व्हीकल्स आर नॉट अलाउड बियॉन्ड दिस पॉइंट, मतलब यहाँ तक आप ला सकते हो मैक्सिमम निकाल। वो देखो ये रियल हिरन है गाइस, स्टैचू नहीं है, रियल हिरन है ये। रियल है, उसके सामने उसका बच्चा भी बच्चा है। तीन हिरन है, वो एक, वो कुछ तो खा रहा है उधर, और ये दो, तीन है। ये देखो ये भी एक इधर है, ये चौथा। अंदर हम किसी को एंट्री नहीं है, सिर्फ ये उनका इलाका है अंदर हिरनों का। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे चढ़ के हम जा सकते हैं और वो नज़ारा देख सकते हैं। क्लियर दिख रहा है, ज्यादा बाप रे। ये देखो उधर से, ये देखो ना कितना पास है वो। अरे ये तो देखो, कल हमने स्टैचू देखा था वैसा ही, वैसा वैसा लग रहा है। और हिरन है ये इधर, ये देखो। हाँ ये दो हिरन है, ये दो, दो ये इसका बच्चा है शायद। ऑस्ट्रिच भी है यहाँ पे, देखो साथ में आ रहे वो। इतनी आदत हो गई झगड़ाने की। हाँ, कुछ नहीं। ऑस्ट्रिच बहुत, सच में बहुत तेज भागते हैं मॉम, उनके पैर उसी के लिए बने हैं, देखो ना। डियर डियर है उसको, है ना। और ये देखो अक्षु यहाँ से आगे, देखो ना बहुत है, मतलब यहाँ पे बहुत है। छाव के लिए इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, बढ़ रही ना, छाव के लिए आ रहे हैं इधर। मेरे ख्याल से उस पॉइंट से ज़्यादा यहाँ से क्लियर दिख रहा है, क्योंकि अभी वो यहाँ पे है। वो क्या है, फुल एरिया का एंगल आपको वहाँ से मिलता है। वो ऑस्ट्रिच इधर ही बैठा है अकेले अकेले, ये सब ग्रुप से इधर आ रहे हैं। उनको खाना देना अलाउड नहीं है खैर, वो ही लोग देते हैं सब, उनको वही मेंटेन करते हैं जो यहाँ, वही ठीक है। नहीं वो क्या करते, कुछ भी देते हैं, कुछ एक कुछ भी देते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि वो, हाँ वही देना चाहिए। हम ब्रेड तो कभी नहीं देना चाहिए, ब्रेड का कुछ न्यूट्रिशन उसमें नहीं होता बिल्कुल, और वो सिर्फ उनका वो पेट में दर्द होता है ब्रेड के। होटल भी है वैसे अंदर, देखो ना।
बिग बैन जैसी है ना। पैलेस के अंदर हमको पूरा लकड़ी का फ्लोर देखने को मिलता है जो कि बहुत पुराना है और नेचुरल है। खास करके दरबार हॉल भी बहुत देखने लायक है क्योंकि हमारी दो मंजिला इमारत मिलके उसकी एक छत है और वहाँ पे जाने पर ऐसा एक गर्व का फील आता है कि हम छत्रपति शाहू महाराज के दरबार में आ चुके। छत्रपति शाहू महाराज ने जो खुद वेपन्स बनवाए थे और उन्होंने खुद यूज किए थे वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसी के साथ उनके रियल फोटोज और उनके रियल कपड़े भी वहाँ पे रखे हुए जो उन्होंने खुद यूज किए थे और कपड़ों के साइज से हम पता लगा सकते हैं कि उनका शरीर कितना बड़ा था। बर्ड्स वहाँ पे रखे वो स्टैचूज टाइप एनिमल्स हर एक चीज के लिए ना अलग अलग उन्होंने एक रूम की है और वहाँ पे वो चीज है। पेंटिंग्स के लिए अलग रूम है और ऐसे पेंटिंग्स है कि वो हाथ से निकाली है और ऑयल पेंट से निकाली है। तो ऑयल पेंट से तो निकालना कितना मुश्किल है, उसमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन बहुत चाहिए क्योंकि उनमें कुछ हम चेंजेस कुछ नहीं कर सकते। वो है डायरेक्टली वो ऐसा ड्रॉ करते जाना है। करते जाना है तो वो बहुत मुश्किल है और इतनी रियल है कि हमको ऐसा लगता है कि कोई फोटो वहाँ पे प्रिंट करके कोई फोटो वहाँ पे चिपकाया है ऐसा लगता है। इतनी रियलिस्टिक पेंटिंग्स है, कुछ छोटे है और एक इतना बड़ा है। वो खुद उनका फेवरेट था, उनके खुद के रियल फोटोज है वहाँ पे और उनको जो कुछ भी गिफ्ट किया गया था जैसे कि वेपन्स हो गया वो वहाँ पे है और रियल है। गोल्डन है और रियल है, मतलब वो ऐसा ये नहीं है कि रिक्रिएटेड नहीं है, रियल है। वो सब आप वहाँ पे देख सकते हैं और मतलब 90% चीज़ें तो रियल ही है। हाँ। सिर्फ वो एनिमल्स वगैरह कुछ बना के रखे हुए, एनिमल्स वहाँ पे रख नहीं सकते इसलिए। ये तो कुछ अलग ही टाइप के पंछी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वैसे एंट्री करते करते राइट में ये एक छोटा सा लेक दिखता है हमको, यहाँ पे बर्ड्स वगैरह होते हैं। अभी धूप होने की वजह से ना थोड़ा थोड़ा सा लेक का पानी जो है वो कम हो गया है। जब बारिश होगी फुल फ्लेश्ड तब आप देख सकते हो कि ये आगे तक आ जाएगा पानी, तब थोड़ा ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेगा ऐसे मुझे लगता है। खैर अभी पंछी भी आप तो देख ही सकते हो यहाँ पे, वो देखो दो छोटे छोटे। अभी यहाँ पे व्हाइट पंछी भी थे कुछ फ्लेमिंगो टाइप, लेकिन वो अभी उड़ गए शायद। ये तीन है, डक्स तो खैर पानी में ही रहते हैं हमेशा तो इसलिए डक्स तो आपको हमेशा दिखेंगे, लेकिन जो व्हाइट पंछी थे वो कहीं तो उड़ गए अब। बाकी तो पूरा बड़ा लेक है, वो देखो वो पंछी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है।